नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं भारत एट नाइन का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ काजल नारायण। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसे आधुनिकता के साथ बढ़ने के लिए तैयार किया। इसे तैयार करने वालों ने सोचा भी नहीं होगा कि इसका इस्तेमाल 21वीं सदी की पीढ़ी कुछ इस तरह करेगी। लेकिन बाहर आधुनिकता की देन, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब हमें आसानी से पता चल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है सोशल मीडिया की, लेकिन आजकल लोग फेमस होने के लिए भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह का कंटेंट डालते हैं। लेकिन क्या कहें कि हम कई बार तो कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है जो शायद किसी ने सोचा तक ना हो। क्या आपने सोचा था कि एक विधायक, वो भी यूपी जैसे सूबे के विधायक, चलिए विधायक का किस्सा खत्म कर देते हैं, ये यूपी के विधानसभा स्पीकर हैं जिन्होंने महात्मा गांधी की तुलना बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत से की है। हैरान हो गए, विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो आपको विश्वास करना होगा। और ये बातें यूं ही नहीं कह रही हूं मैं, बकायदा आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी। वैसे हमारे देश की राजनीति में कई बार ऐसे बयान सामने आ ही जाते हैं जिसे सुनकर हमें हंसना चाहिए या ये सोचना चाहिए कि आखिर क्या ये शब्द ऐसे लोगों को शोभा देते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन समाज के लिए क्या ये अटपटे बयान सही हैं? ऐसा सवाल बहुत लोगों द्वारा किया जाता है। दरअसल हृदय नारायण दीक्षित, जो कि उन्नाव से विधायक हैं, उनका एक अटपटा बयान सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है। वैसे गलती उनकी भी नहीं है, क्या करें, कभी कभी बोलते बोलते जुबा फिसल ही जाती है। असल में वो पढ़ाई और महात्मा गांधी पर बोल रहे थे, तभी ना जाने क्या हुआ कि वो अभिनेत्री राखी सावंत का नाम लेकर चुटकी लेने लगे। जब बयान को लेकर बवाल हुआ तो हृदय नारायण दीक्षित ने सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला समझिए। विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित शनिवार 18 सितंबर को बांगरमऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में महात्मा गांधी की महानता पर बोल रहे थे, लेकिन बोलते बोलते बात राखी सावंत तक पहुंच गई। हृदय नारायण दीक्षित ने वक्ताओं द्वारा उनके लेख पढ़ने वाला विद्वान और प्रबुद्ध बताए जाने के जवाब में कहा कि केवल पढ़ने या लिखने भर से कोई महान नहीं बनता है, उसमें दूसरे और भी तमाम गुण होते हैं। इसके लिए उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, गांधी जी अखबार पढ़ा करते थे, कम कपड़े पहनते थे, धोती ओढ़ते थे, गांधी जी को बापू कहा गया। अब अगर कोई कपड़े उतार देने से महान हो जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी से बड़ी बन जाती। विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद पर रहते हुए हृदय नारायण दीक्षित के बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल होने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अब जब बवाल हुआ था तो सफाई देना भी बनता था, हुआ भी ऐसा ही। दरअसल सोशल मीडिया पर हृदय नारायण दीक्षित का बयान वायरल होने के बाद उन्होंने बाद में सफाई दी है। दीक्षित का कहना था कि वहां वक्ताओं ने उनकी तारीफ की, किसी ने विद्वान बताया तो किसी ने महान। उसी के जवाब में अपने भाषण में उन्होंने महात्मा गांधी का उल्लेख किया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सोशल मीडिया पर कुछ मित्र मेरे भाषण के एक अंश का वीडियो अन्यथा अर्थों के संकेत के साथ प्रसारित कर रहे हैं। वास्तव में ये उन्नाव के प्रबुद्ध सम्मेलन में मेरे भाषण का अंश है, जिसमें सम्मेलन संचालक ने मेरा परिचय देते हुए मुझे प्रबुद्ध लेखक बताया था। मैंने इसी बिंदु से बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि कुछ पुस्तकों और लेखों के लिखने से ही कोई प्रबुद्ध नहीं हो जाता। महात्मा गांधी कम कपड़े पहनते थे, देश ने उन्हें बापू कहा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि राखी सावंत भी गांधी जी जैसी हो जाएंगी। मित्रगण, मेरे भाषण को वास्तविक संदर्भ में ही ग्रहण करने की कृपा करें, धन्यवाद। ये वो ट्वीट था जो यहाँ पर किया गया। चलिए अब आपको इंतजार किए बिना वो वीडियो भी दिखा और सुना देते हैं। इतने घर से कोई प्रबुद्ध नहीं होगा। गांधी जी कपड़े कम पहनते थे, धोती ओढ़ रहे थे, और गांधी जी को बापू कहा देश में। अब अगर कपड़े उतारने से कोई बड़ा बन जाता है तो राखी सावंत महात्मा गांधी से भी बन जाता है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने अपने बयान पर स्पष्ट किया है
कि उनका किसी से कोई व्यक्तिगत किसी पर कोई आरोप लगाने का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि जिस कार्यक्रम में वो गए थे उस कार्यक्रम में के लोगों ने मंचासीन उद्घोषक ने उनके बारे में बताया कि बहुत बड़े विद्वान हैं और लेखक हैं। इस पर उन्होंने एक तुलनात्मक कोई चीज कि भाई जैसे राखी सावंत का उन्होंने नाम ले लिया, ऐसा कोई उनका विचार नहीं था, बहुत अच्छे विद्वान और मूर्धन्य साहित्यकार हैं हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी। विधानसभा अध्यक्ष जी कभी किसी ओछी बातों में नहीं पड़ते हैं। वो अचानक उनके मुंह से वो उदाहरण निकल गया, वो उदाहरण को लोगों ने गलत तरीके से पेश किया, ऐसी कोई उनकी मंशा नहीं थी, ऐसा कोई उनका इरादा नहीं था। देखने वाली बात यह होती है कि कौन सी बात का उदाहरण कहां दिया जाता है। तो उस समय जो विद्वान होने की बात थी वो ये कहा, उन्होंने कहा था कि विद्वान मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना बड़ा आप समझते हैं। उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने एक अभिनेत्री का नाम ले लिया, ऐसी कोई बात नहीं है जिसको कि मुद्दा बनाया जा सके। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब देश की राजनीति में राखी सावंत का नाम आया हो। इससे पहले भी राखी का नाम आया है और लाया भी गया है, वो भी आप विधायक के द्वारा। दरअसल राजनीति के पिछले हफ्ते में राखी सावंत के खबरों में रहने का एक लौटा मामला नहीं था। हृदय नारायण दीक्षित के भाषण के एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को आम आदमी पार्टी में पंजाब के सह प्रभारी और दिल्ली से विधायक राघव चड्ढा ने राखी सावंत का जिक्र किया था। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की राजनीति का राखी सावंत करार दे दिया था। चड्ढा ने अपने ट्वीट में कहा था कि पंजाब पॉलिटिक्स के राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू अपनी ही सरकार और उसके मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ रोजाना बयानबाजी करते थे, लेकिन आलाकमान की फटकार के बाद अब वो चुप हैं, अब उन्हें कुछ और नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। ये वो ट्वीट है। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये ट्वीट 17 सितंबर का है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज पंजाब में पूरी तरह से सत्ता पलट हो चुकी है। राघव चड्ढा की इस बयानबाजी के बाद राखी सावंत ने नाराजगी जताई थी। राखी ने बेहद सख्त अंदाज में कहा था कि मिस्टर राघव चड्ढा मुझे और मेरे नाम से दूर रहो, जो मिस्टर चड्ढा होना मेरा नाम लोगों को ना तो मैं तुम्हारा मैं आगे बता नहीं सकती। उन्होंने क्या कुछ कहा। राखी सावंत ही नहीं बल्कि उनके पति रितेश ने भी राघव चड्ढा के बयान पर गुस्सा जताया था। रितेश ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, देखिए ये जो पोस्ट किया, ये जो ट्वीट किया रितेश का, जो कि राखी सावंत के पति बताए जाते हैं, खैर इससे ये तो साबित हो गया कि वाकई राखी सावंत की शादी हुई है। जितना ड्रामा हुआ था उसकी शादी को लेकर इस ट्वीट से ये साबित हो रहा है कि वाकई उनके पति हैं। और राघव चड्ढा स्टे अवे फ्रॉम मी एंड माय नेम, जो मिस्टर चड्ढा हो ना मेरा नाम लोगे ना तो तुम्हारा चड्ढा उतार दूंगी। ओके राखी, कविता कौशिक ने आपको सपोर्ट किया है? शी इज माय डार्लिंग, कविता कौशिक माय डार्लिंग एंड हां अभी मैं ट्रेंडिंग में हूं जी। उन्होंने ये कहा है कि राखी जो है उनको तो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो मिस्टर चड्ढा, आप खुद देखिए कि आपको मेरे नाम की जरूरत पड़ गई ट्रेंडिंग में आने के लिए, आपको मेरे नाम की जरूरत पड़ गई तो आप सोचो कि मैं कैसे ट्रेंडिंग में रहती हूँ। कविता के लिए क्या कहना चाहेंगे? कविता मेरी जान है, कविता कौशिक इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग और बहुत ही अच्छी योगी हैं और अपने आप में रहती है एंड आई लव हर एंड शी इज द बेस्ट एक्ट्रेस जी। लास्टली उन्होंने ये कहा है कि राखी में जो ताकत है कि डल शो को भी वो हिट बना देती है, तो इस पर क्या कहेंगे? बिग बॉस लास्ट ईयर आपने हिट किया था, सारा क्रेडिट आपको जाता है, क्या कहेंगे? मैंने नहीं हिट किया, मेरे सलमान भाई ने हिट किया और मेरे परमेश्वर ने हिट किया। मिस्टर राघव कृपा, इसको मेरी चेतावनी समझिए, यदि आपने अपनी किसी भी राजनीतिक कंट्रोवर्सी में मेरी पत्नी के नाम का दोबारा इस्तेमाल किया तो आपको कानूनी समस्या का सामना करना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूं कि आप कभी नहीं जीतेंगे क्योंकि आप उस पद के लायक नहीं हैं। आप किसी का नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो ट्वीट है जो राखी सावंत के पति ने किया था। अपने अगले पोस्ट में रितेश ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को टैग करते हुए लिखा, कृपया अपने विधायक को एकजुट करिए, इधर उधर बिखर रहे हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना एक वीडियो जारी किया था जिसको लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने राखी से उनकी तुलना की, तो चलिए वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं। आम आदमी पार्टी की गल,
1 दिसंबर 2020 नूं केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विच प्राइवेट मंडी APMC नूं रद्द करके प्राइवेट मंडी स्थापित करन दे लई मोदी सरकार दे खेती कानूनां विचों एक नूं नोटिफाई किया, जबकि किसान दिल्ली दियां बरूहां दे उत्ते अंदोलन कर रहे सी। उदों बाद ड्रामा किया, सैशन बुला के बिल पारते, पर की वह जिहड़ा कानून नोटिफाई किया सीगा प्राइवेट मंडियां वाला, की वह डीनोटिफाई होया? जे डीनोटिफाई किया तो फिर मैं मन, यह ड्रामा है सारा, यह दिखावा है सारा, यह मगरमच्छ दे आंसू। चलिए, ये तो बात हो गई राघव चड्ढा, राखी सावंत की और हृदय नारायण दीक्षित की, क्योंकि राखी इन दिनों देश की राजनीति में एक अहम रोल निभा रही हैं, इसलिए तो बार बार उनका एग्जाम्पल दिया जा रहा है। देखिए, बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत कही जाती हैं, ऐसे में इस राजनीति में जो जो ड्रामा दिखा रहा है उसका कंपैरिजन राखी से किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे इस तरह से कंपैरिजन करना क्या सही है? क्या बार बार राखी सावंत के नाम का इस्तेमाल करना सही है? क्या राखी सावंत को देश की राजनीति में लाना सही है? क्या वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ी है? क्या वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है? या फिर किसी का वो सपोर्ट करती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी राखी सावंत का जिक्र हर बार कर दिया जाता है। वहीं हृदय नारायण दीक्षित की टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना बीजेपी और आरएसएस की आदत बन गई है। बयान के लिए कोई पश्चाताप नहीं दिखता, वे गांधी जी से कितनी नफरत करते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने आगे कहा कि गांधी जी के हथियारों की प्रशंसा करना दर्शाता है कि बीजेपी आरएसएस में कितना जहर भरा पड़ा है। ये तो हो गई कांग्रेस की बात। अब समाजवादी पार्टी कहां पीछे नहीं रही थी, क्योंकि बात यूपी की थी, बात 2022 की है, क्योंकि चुनावों को भुनाना है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाना है। समाजवादी पार्टी के MLC सुनील साजन ने भी महात्मा गांधी पर की गई टिप्पणी पर अपना विरोध जताया। उन्होंने कहा कि स्पीकर ने ना सिर्फ गांधी का अपमान किया बल्कि कपड़ों पर टिप्पणी कर महिलाओं का भी अपमान किया है। ये देश की हर लड़की का अपमान है। अब ये राखी सावंत से हृदय नारायण दीक्षित तक पहुंचा, हृदय नारायण दीक्षित से ये राघव चड्ढा तक पहुंचा, अब राघव चड्ढा से आगे बढ़ते हुए ये देश की महिलाओं और लड़की तक पहुंच गया है। आगे वो कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि उन्हें गांधी की विचारधारा पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी टिप्पणियों के लिए माफी मांगनी चाहिए। गौरतलब है कि सपा अध्यक्ष ने अखिलेश यादव ने कहा है कि उनकी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेगी। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी यूपी और उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी, केवल पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन करते चुनावी मैदान में उतरेंगी। बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राजनीतिक पारा जो है वो पूरी तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई राजनीति की, अब जरा बात आपकी कर लेते हैं। जी हाँ, आम आदमी पार्टी की नहीं, आपकी, यानी देश की जनता की। देखिए, एक तरफ तो हम पूरी तरह से आधुनिक होने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दलितों और वंचितों के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। ताजा मामला राजस्थान के अलवर का है। दरअसल यहां भीड़ ने पीट पीट कर युवक की हत्या कर दी। इस मामले में अब सियासत गरमाने लगी है। एक तरफ तो पीड़ित परिवार को इंसाफ का इंतजार है, तो दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग पर सियासी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि बात कांग्रेस शासित राज्य की है। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। इस मामले को लेकर अमित मालवीय ने दलित की मौत पर ट्वीट कर आरोप लगाया कि दलित की मौत पर सेक्युलरिज्म के ठेकेदार चुप हैं। हालांकि राजस्थान की गहलोत सरकार ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन अपने राज्य में जब कुछ होता है तो कांग्रेस चुप्पी साध लेती है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं कि अलवर में पहलू खां के मामले के बाद एक बार फिर मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है। इस बार मृतक 17 वर्षीय दलित युवक योगेश है, लेकिन हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म के ठेकेदार चुप हैं, क्योंकि मारने वाले समुदाय विशेष से हैं और मरने वाला दलित। भीम मीम की दुहाई देने वाले नदारद हैं, कहां हैं? देखिए, इस पर अभी मायावती ने भी कोई टिप्पणी नहीं की है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि जो दलितों के हितैषी हैं वो क्यों इस पर चुप्पी साधे बैठे हैं। मॉब लिंचिंग का ये पहला मामला नहीं है। मॉब लिंचिंग देश में कई सालों से होती आई है और आज भी हो रही है, इतने आधुनिक होने के बावजूद भी। वहीं लिंचिंग की घटना पर बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह याश्री खासबावा ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।
उन्होंने कहा कि आरोपी कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान में दलित युवक को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसे अलवर और फिर जयपुर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई है। अब परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि गहलोत सरकार आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दे और जांच में किसी तरह का भेदभाव ना हो। आज पूरे दिन सड़क जाम रही और लगातार परिवार वाले हंगामा करते रहे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने मैंने रखी है इस खास पेशकश में। सबसे पहले ये कि हमारे देश की राजनीति में किस तरह से किसी के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। राखी सावंत बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन, लगातार उनके नाम का इस्तेमाल हो रहा है जो कि बेहद गलत है, ये कहीं से शोभा नहीं देता। वहीं दूसरी तरफ मॉब लिंचिंग, इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत को बीच में ले आएंगे, लेकिन मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर किसी का ध्यान नहीं जाता है, ना ही कोई बोलता है। दो दिन से इस पूरे मामले पर बवाल मचा हुआ है, राजनीति हो रही है, लेकिन कोई भी ये नहीं कह रहा है कि आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाओं पर पूर्णता अंकुश लग सके। दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज हुए हैं। 15 तारीख की शाम की घटना है और इसमें 17 तारीख पर दोनों साइड से 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक एक्सीडेंट का है, एक सामान्य मारपीट का है। इसमें जो भी जांच से सामने आएगा वो कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सर, परिजनों ने क्या मांगे रखी थी सर इसमें? अभी 5-6 मांगे हैं। निष्पक्ष जांच की मांग रखी है ज़्यादा, जो मुख्य रूप से है। कुछ आर्थिक सहायता से रिलेटेड है, कुछ जॉब से रिलेटेड है उनके परिजनों के। ओमी जाटव, ओम प्रकाश जाटव का पीट पीट पे कर दिया मर्डर कर दिया। अब क्या करेंगे गहलोत साहब आप, मुख्यमंत्री राजस्थान? आपने जो मॉब लिंचिंग का कानून बनाया है 302 के अलावा, वो कानून भी उन पर लगना चाहिए। और पुलिस की निकम्मापन, उसमें विशेष से एक ASI इलियास, उसने यहाँ तहरीर लेट पहुँचाई, पोस्टमार्टम लेट हुआ, बहुत जोर जबरदस्ती से मैंने पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी को भिजवाया। वहाँ दलित वर्ग में तो आक्रोश है, संपूर्ण हिंदू समाज में आक्रोश है। तो आप समझिए कि किस तरह की राजनीति लगातार देश में हो रही है। सिर्फ और सिर्फ हर मुद्दे को अपने लिहाज से बदल लेना, अपने लिहाज से समझ लेना, अपने लिहाज से फायदा उठा लेना बेहद गलत है। जनता से यही अपील है कि आंखें खोलिए। आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, सब कुछ आपके हाथ में है। जैसी चाहे वैसी सरकार आप बना सकते हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ा हथियार हैं और वोट की चोट सरकारों को जरूरी है, इन राजनीतिक पार्टियों को बेहद जरूरी है। भारत एट नाइन में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर लौटेंगे तमाम उन मुद्दों के साथ जो सीधे आपसे जुड़े हैं।